जी सरगोधा क्लब रोड के ऊपर कैंटोनमेंट एरिया है ये, और ये होटल है कॉन्टिनेंटल पार्क कॉन्टिनेंटल होटल, जिसको पीसी सरगोधा ये बोला जा रहा है, पीसी सरगोधा। यहाँ पर हमने रूम ले लिया है और अंदर चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इनका अच्छा सा एक रेस्टोरेंट भी है, ये है जी रेस्टोरेंट, और ये है खड़ी हुई शाजिया। यहाँ पर अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सरगोधा। और सरगोधा, जैसा कि मैं आपको रास्ते में भी बताती भी आई थी कि ये शहर है जगह ऑरेंजेस का और ईगल का। अच्छा, ईगल्स का भी और ऑरेंजेस का, ऑरेंजेस का तो हमें पता ही था, लेकिन ईगल्स के लिए हमें हमारे एक व्यूअर ने बताया। एनीवे, यहाँ पर जितने भी मेरे सब्सक्राइबर रहते हैं सबको अस्सलामुअलैकुम। आपके शहर सरगोधा से जी, इस वक्त हम पार्क कॉन्टिनेंटल होटल में ठहर रहे हैं, एक रात का स्टे है। इंशाल्लाह कल हम यहाँ से रवाना होंगे, और जितने भी मेरे देखने वाले जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि आप भी सरगोधा आए तो हमारे पास स्टे करें, उन सब से माजरा चाहती हूँ कि हम स्टे किसी के भी पास नहीं करते। हम एक रूल है, उसी को लेके चलते हैं। जिन्होंने भी मुझे इन्वाइट किया उन सबका बहुत शुक्रिया। तो रूम ले लिया है हमने, मास्टर बेड, सामान हम लोग शिफ्ट करवाते हैं और थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, देन देखते हैं कि अभी बाहर निकलते हैं या क्या, क्योंकि अभी डार्क है बहुत ज़्यादा। हमारी कोशिश है कल दिन में आपको शहर दिखाएं, हो सकता है थोड़ी देर बाद मूड चेंज हो जाए, क्योंकि शाजियाज फैमिली का मूड चेंज ही होता रहता है। क्यों ज़ुल्फ़िकार साहब? ऐसा ही है, हम लोग प्लान बना के नहीं चलते, वक्त के हिसाब से प्लान। तो ये जी ये है जी ज़ुल्फ़िकार साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसा है? सही है ना? हाँ, अच्छा है माशाल्लाह, होटल अच्छा है। और चल के रूम भी दिखाते हैं। ज़ुल्फ़िकार साहब सामान निकलवाते हैं, तब तक मैं आपको रूम दिखाती हूँ, ठीक है जी? तो बच्चे भी साथ हैं। बेटा, कैसा लग रहा है सरगोधा आके आपको? अच्छा लग रहा है। मोहम्मद जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आपकी माँ ने अभी देखा है फर्स्ट टाइम, और मेरे बच्चे माशाल्लाह इतनी सी उम्र में सारा जो है पाकिस्तान देख बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सारा तो नहीं, अभी वो एक मोहम्मद शेर करके कुछ नाम है, वो भी देख। कौन सा वाला? मोहम्मद ऐसे करके कुछ नाम है। मोहम्मद शेर तो कोई भी नहीं है, मोहम्मद ऐसे करके कुछ नाम है उसका। महुडन तो बेटा वो नहीं, महुडन नहीं, मोहम्मद। यस, वो एजेंसी कौन सी है वहाँ पे है? मोहम्मद एजेंसी, वो इलाका गैर है उस साइड पे। मतलब ये वजीरिस्तान की बात है? बेटा, मैंने वजीरिस्तान तो आपको कहा था कि डैडी को चलते हैं, लेकिन डैडी कहते नहीं भाई, वहाँ नहीं जा रहे। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे एक तो थोड़ा सा ये दिखा दूँ कि ये रेस्टोरेंट है एंटर होते साथ ही, और ये फिर रिसेप्शन है। और इत्तफाक से रिसेप्शन वाले भाई साहब भी जो है वो यूट्यूबर निकल आए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहताब है, मेरा एक यूट्यूब चैनल है फुल टाइम खाना। तो आपके सब्सक्राइबर्स से मेरी अपील है कि मेरे भी चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। जी बिल्कुल जी, अगर आप देखना चाहते हैं फुल टाइम खाना सरगोधा से, तो जरूर इनके चैनल को विजिट कीजिएगा, और नीचे कमेंट में लिखना है शाजियाज फैमिली, ताकि इनको पता चले कि आप मेरे पास से गए। थैंक यू, वेलकम। तो अभी बस चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं अपना रूम जो हमने लिया है, ठीक है जी? और 102 नहीं, तो ये है जी 103, रूम नंबर 103 हमने लिया है, जो कि मास्टर बेड है। मोहम्मद जी ओपन कीजिए, ये है जी रूम माशाल्लाह से, ये की है। टीवी चल रहा है यहाँ पे, फिलहाल इसको बंद करते हैं वरना कॉपीराइट आ जाएगा। और यहाँ पे एसी भी है, लेकिन एसी की जरूरत नहीं है ना मोहम्मद जी। और ये दिखाइए, ये है जी वॉशरूम। अच्छा, मैं ना जो है वो आपको पता है कमोड यूज़ नहीं करती, लेकिन मास्टर बेड में कमोड ही मिला है, और सिंगल में था देसी, लेकिन वो फिर हमारे लिए सूट नहीं करता। तो यहाँ पर जी हम हो जाएंगे और नीचे एक बंदा सोएगा, मोहम्मद को, अब्दुल्ला को, या फिर मैं, या फिर ज़ुल्फ़िकार साहब, जिसकी मर्ज़ी हो वो नीचे मैट्रेस देंगे, मैट्रेस पे हम लोग कोई भी एक सो जाएगा, बाकी ऊपर सो जाएंगे। बहुत अच्छी लग रही है।
जी बेटा यहीं पर ही ये वेन्यू भी है जी जी, और यहीं पर ही वो चीज़ें भी है जो यहाँ पे मतलब फोन वगैरह जी जी जी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल लिखी हुई है कि यहाँ पे क्या क्या है, वो सब डिटेल वहाँ लिखी है। इंटरकॉम है, मेन्यू कार्ड दिया गया। अच्छा, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री जो है ना हमें मिलेगा नाश्ता, वो भी रूम में ही, यानी रूम सर्विस में। ठीक है जी, सुबह 10 बजे तक होता है नाश्ता इनका। साफ़ सुथरा बेड है, और इसका जी हमने रेंट दिया है वन नाइट का 6,000 रुपीज़। तो सामान आ चुका है अंदर, शुक्र है। जैकेट्स वगैरह वाले बैग से जान छुट्टी, वरना जहाँ जाते थे वो दूसरा बैग भी साथ जाता था। मोहम्मद, यहाँ पे ठंड कम है ना बेबी? यस। हाँ, चलो ठीक है। आपको भूख लगी है कुछ? अगर कुछ खा ले तो फिर बेहतर है। मतलब भूख लगी है? नहीं नहीं, लेकिन तभी अगर खा ले तो फिर सही। ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद खाते। ठीक है, ओके। शाहीन चौक है, शाहीन चौक। आप जिप बंद करें ना भाई साहब, सर्दी लग जाएगी बच्चे को। अब्दुल्ला जी, तो ये पता नहीं, मुझे लगता है कि मैंने पहले वाली रिकॉर्डिंग की या नहीं की, लेकिन अगर नहीं हुई तो दोबारा दिखा देता हूँ कि ये शाहीन चौक है। दिस इज़ कॉल्ड शाहीन चौक, क्योंकि ये एक ईगल टाइप की चीज़ बनी हुई है, थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में। तो चलते हैं आगे उस तरफ को, देखते हैं। मुझे तो नहीं लग रहा कि यहाँ पे कुछ मिलेगा हमें इस वक्त। मैं यहाँ पे गाजर का जूस पीऊँगा, बाकी और कोई भी नहीं पी रहा है। शाजी और बच्चे वहाँ बैठ गए, बस सिर्फ मैं पीऊँगा एक ग्लास गाजर का जूस, क्योंकि मुझे तो गाजर का जूस बहुत पसंद है भाई, फ्रेश। हाँ जी, तो हम लोग सरगोधा के अंदर, बच्चों ने खाना खाना था तो हमने अभी थोड़ी देर पहले यूट्यूब पर देखे यहाँ के खास खाने क्या है। तो ये ख्वाजा बर्गर आप देख रहे हैं सामने, ख्वाजा बर्गर वाला, माशाल्लाह बहुत रश है यहाँ पे। अच्छा, ये एक और भी इस साइड पे ख्वाजा बर्गर वाला है, बिल्कुल रोड के सामने। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा ठेला, ये वाला। तो ये असली नहीं है, और असली वाले जो है वो तो खैर नज़र आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं खाने के लिए, हम भी बैठते हैं और खाते हैं, बाकी बच्चों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई, ये सब जगह पे एक जैसा बर्गर बन रहा है? क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ ये जो भाई बना रहे हैं, आप बना रहे हैं, उधर भी बन रहा है, ये एक ही जैसा है सारा? नहीं, ये चिकन है, यहाँ चिकन लग रहा है, यहाँ अंडे वाला लग रहा है। अच्छा, ये चिकन बर्गर है जी, बड़े मशहूर है ये सरगोधा का। कितने अरसे से भाई है यहाँ पे बैठे हुए आप लोग? 20-22 साल हो गए। माशाल्लाह जी, 20-22 साल से जो है वो बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे, और ये चिकन बर्गर बन रहा है अगर आप देख रहे हो, ज़बरदस्त किस्म का। मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे पीछे अंडे फ्राई कर करके वो रख रहे हैं, ताकि बर्गर के अंदर डायरेक्ट उसी वक्त लगाएं टाइम बचाने के लिए, क्योंकि रश माशाल्लाह बहुत है यहाँ पे। और यहाँ पे कौन सा बर्गर बना रहे हैं भाई? आप लोग अंडे वाला बर्गर बनाएंगे? अच्छा, यहाँ पे अंडे वाले बर्गर बन रहे हैं, और यहाँ पे जो है ये चिकन शवारमा बन रहा है यहाँ पे, और बर्गर भी बना रहे हैं भाई, ये देखें। हाँ जी, जिंगर बर्गर बन रहा है यहाँ पे, और जिंगर शवारमा भी बन रहा है। एग्स को फ्राई करके और यहाँ पे तैयार करके वहाँ पे काउंटर पे प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि वहाँ पे जल्दी जल्दी बर्गर बन जाए जी। ये इनका मेन्यू है, ख्वाजा बर्गर एंड चिकन शवारमा, और ये प्राइस लिस्ट है। ये मोहम्मद का चिकन शामी बर्गर आ गया है, और इसके अंदर लेकिन वो चीज़ नहीं डलवाया मोहम्मद ने, हम लोग चीज़ वाला खाएंगे मैं और अब्दुल्ला। और दो चिकन चीज़ बर्गर्स, इसके अंदर चीज़ स्लाइस रखा गया है, और बाकी सब कुछ सेम है। और ये मिर्चों वाली आयल की जी। मामा जी, कैसा लगा? बहुत ज़्यादा मज़े का। अब्दुल्ला, आपको कैसा लगा? ऑसम है ना? मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। रेलवे रोड है ये, और यहाँ पर ये उमर खयाम बारबेक्यू, सुना है कि यहाँ का बड़ा मशहूर है।
तो यहाँ हम आए मलाई बोटी है, लेग पीस है, और ये चापे भी आप लोग लगाते हो? मुश्किल है, चाप तो यहाँ नहीं है। फिर उधर ही है, सामने राना यूनस टिक्का शॉप है, वहाँ पर भी कह रहे हैं यही चीज़ें मिलेंगी। लेकिन मुझे खाना है चाप को, और हम ट्राई करते हैं चाप कहीं से मिल जाए तो वो ट्राई करेंगे, अदरवाइज फिर देखते हैं कि कुछ और है। वैसे यहाँ की दाल भी बहुत मशहूर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक साथ इतनी सारी चीज़ें नहीं खाई जा सकती, और हमारे पास टाइम भी थोड़ा है। तो हम अभी, बच्चों ने तो बर्गर खा लिया जैसा कि आपने देखा, जैसे कारसा ने भी खा लिया, मुझे चाप खानी है। तो अभी फिलहाल तो हम आपको एक ओवरव्यू दिखा देते हैं, कभी आप आए तो ट्राई करें, लेकिन मैं चाप खाने आई थी। तो मटन की कोई वैरायटी इनके पास नहीं है, लिहाजा यहाँ से मैं जा रही हूँ, आप लोग ज़्यादा देख लीजिए। ये क्या बन रहा है भाई? मलाई बोटी फ्राई हो रही है। अच्छा, कबाब, और ये बीफ कबाब फ्राई हो रहे हैं? बीफ कबाब फ्राई हो रहे हैं, ये बीफ कबाब फ्राई है, ये भी बीफ कबाब फ्राई हो रहे हैं, ये टिक्का कबाब फ्राई हो रहा है, ये टिक्का चिकन टिक्का और कबाब को फ्राई किया जा रहा है, यानी कि पहले ही यहाँ पे बारबेक्यू करते हैं और उसके बाद उसको यहाँ पे मसाले के साथ फ्राई किया जाता है। अच्छा, और साथ में ये चिकन के डिफरेंट टाइप के टिक्के वगैरह बन रहे हैं यहाँ पे। जी तो व्यूअर्स, जो मैंने आपको उमर टिक्का शॉप दिखाई थी और यूनस टिक्का शॉप दिखाई थी, वो भी रेलवे रोड पे ही मौजूद है, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है। और ये आपको मैं दिखा रही हूँ दावत सिराय, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा मशहूर है दावत सिराय। अच्छा, यहाँ पर जो है वो गेस्ट हजरात बैठते हैं, मेन हजरात यहाँ बैठते हैं, और फैमिली के लिए उन्होंने बिल्कुल सामने हॉल बनाया हुआ है। तो दावत सराय का सामने फैमिली हॉल आप देख रहे हैं, जो कि एयर कंडीशन है, जो कि गर्मियों में तो जाहिर सी बात है कूलिंग चाहिए होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है हम वहाँ बैठेंगे। दिखाने के लिए मैं आपको आई हूँ कि ये है कि दावत सराय रेलवे रोड पर, और यहाँ पर मैं चाप का पूछ चुकी हूँ, तो उन्होंने कहा कि चाप मिल जाएगी, ज़ुल्फ़िकार साहब ने पूछा था, अंदर चलते हैं तो चाप ट्राई करते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो मिलती है मटन की, और यहाँ पर बारबेक्यू भी मिल जाता है, कढ़ाई भी मिल जाती है, और जैसे कि देखिए कढ़ाई भी मिल जाती है। तो अभी हम यहाँ पर चाप ट्राई करेंगे, तो चले आए चलते हैं अंदर। रहू ग्रिल, तवा चाप चाहिए मुझे, मुझे ये तवा चाप ही खानी थी। चले ये माशाल्लाह, तो ये है फैमिली हॉल, अंदर चलते हैं। मटन कबाब भी है ज़ुल्फ़िकार साहब। अच्छा, 24 आवर्स इनकी जो है वो सर्विस है। तो ये है जी इनका एयर कंडीशन फैमिली हॉल, और अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, एक फैमिली और है, हम उस तरफ कैमरा नहीं कर रहे, बैठते हैं और ऑर्डर देते हैं। आइए, वो देखिए चाप दिखे, मटन चाप ग्रिल भी है, जी बिल्कुल सही कह रही हो। मैं सिर्फ थोड़ा सा चखूंगा, मैंने खाना तो अच्छा, तुम्हें पता खाया है। अच्छा, चीज़ें आपको चॉप ग्रिल मिल जाएगी, मटन चॉप पे, उसके अलावा मटन कढ़ाई मिल जाएगी, मटन कोरमा है, मटन कलेजी है, कलेजी भी तवा है जिससे पैसा। मटन चाप हम खाते हैं तवे वाली, ठीक है ना? सही है, वो सॉफ्ट होगी ना, तवे वाली नरम होती है, दूसरी ग्रिल वाली थोड़ी गर्म होती है। काली मिर्च बिल्कुल भी नहीं, हरी मिर्च और लाल मिर्च थोड़ी सी गर्म वाली, बिल्कुल लाइट, हम लोग समझ लें कि चाइनीज खाने खाते हैं। जी खाना सर्व कर दिया गया है, और शाजिया की फरमाइश थी कि उसको चाप खानी है, और ये तवे के ऊपर चाप बनाई गई है इस तरीके से। ये तवा चाप जो है वो ये लोग कीमे की शक्ल में बनाते हैं, तो यहाँ पे इनको स्पेशली बोल के शाजिया ने साबुत चाप रखवाई गई है, और वाओ यम्मी। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पर जो चाप मिलती है ना, वो टकाटक या कटाकट जो भी होती है व्हाटएवर, वो कीमे की शक्ल में मिलती है, लेकिन मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे वो वाली नहीं चाहिए, मुझे ऐसी ही चाहिए, और ये हाफ़ के जी बहुत टेस्टी लग रही है।
आई होप कि मेरी ये वीडियो के बाद बहुत सारे हमारे सरगोधा वाले बहन भाई या फिर जो भी यहाँ आते हैं विजिट करते हैं वो भी इस तरह की फरमाइश करेंगे और पकवाएंगे। मेन्यू में इसको भी ऐड कर लीजिएगा कभी तो वो भी होना चाहिए, लेकिन आई थिंक ये भी होना चाहिए। तो ये मेरी एक डिश क्रिएट की हुई है हाँ जी, स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनाई गई। हाँ जी, के जो चाप है उसे साबुत रखिएगा, मतलब उसको कीमा नहीं बनाना। तो देखने में बहुत यम्मी लग रही है, अब खाकर टेस्ट करके आपको बताते हैं और रिव्यू देते हैं अपना। जी तो वेलकम बैक, हमने खाना खा लिया है और बस मसाला छोड़ दिया है, चाप पे सारी ख़त्म चट कर दी है। अच्छा, मैंने बताया था ना कि हमने खाना खाया था और कलर का हाथ पे और फुल था, मतलब बच्चों ने भी काफ़ी खाया था, हमने भी माशाल्लाह से पेट भर के खाया था, भूख नहीं थी। लेकिन बच्चे तो बर्गर खाकर आए, हमने ये चाप मंगवाई, इन्होंने हमसे कहा 5-6 चापें चढ़ेंगी, यहाँ पे तो आई डोंट नो 12 चापें चढ़ गई थी सिंगल पीस कर दिया था। लेकिन मैं बताऊँ कि उसमें मीट पूरा था, एक होता है चाप को बिल्कुल छील देते ऐसा नहीं है, मीट पूरा था और बहुत टेस्टी बनी थी। थैंक यू सो मच बेटा, इनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि इसको ना वो कीमा नहीं बनाना, तो थोड़ा सा मैंने इनको आइडिया दिया तो माशाल्लाह से इन्होंने बहुत अच्छा बनाया। थैंक यू सो मच, आपने हमारी रिक्वेस्ट को पूरा किया और आई होप कि इसको आप अपने मेन्यू में भी शामिल करें इंशाल्लाह ताला। थैंक यू जी, और पराठा बहुत टेस्टी है, क्रिस्पी, अगर ये चाय के साथ खाया जाए ना सुबह के वक्त तो बहुत यम्मी है। नाम बताइएगा बेटा। मोहम्मद राशिद है जी, मोहम्मद राशिद यहाँ पर इन्होंने हमें सर्विस दी है, बहुत अच्छी सर्विस दी है, थैंक यू सो मच। और एक और इनका स्टाफ बहुत अच्छा है इस लिहाज से कि हम तो डिफरेंट सिटीज़ में खाना खाते हुए आ रहे हैं। एक आज सुबह रावलपिंडी वाला स्टाफ भी बहुत अच्छा था और ये लोग भी बहुत अच्छा, वो जो कलर का हार वाला था वो भी बहुत अच्छा था, उनको तो शायद हमसे भी ज़्यादा जल्दी थी। थैंक यू सो मच बेटा, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आपको भी बरकत दे और इस कारोबार में भी बरकत दे। इसी के साथ यहाँ से दीजिए जी इजाज़त, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बिल आ चुका है जी। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू।